तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मैक्रोनी। इसके लिए हमने एक कटोरी मैक्रोनी ली है और उसे पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे। धो के उसका पानी सारा फेंक देंगे। हमें खूब अच्छी तरीके से इसको धोना है, ये देखिए। और अब हम इसमें पानी डालेंगे एक गिलास भर के, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और डालेंगे एक टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, और डालेंगे थोड़ा सा नमक। और अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे उबालने के लिए। इसे अच्छे तरीके से उबाल लेना है और उसका पानी नहीं फेंकना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी मैक्रोनी उबल चुकी है पूरी तरीके से। और अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम कुछ सब्जियां लेंगे, जिसके लिए हमने लिया है एक छोटा शिमला मिर्च, एक प्याज लिए, थोड़े से बीन्स लिए, थोड़ी सी हरी मोटी मिर्च ली है जिसमें मिर्च नहीं होती है, और एक टमाटर लिया है। एक टुकड़ा नींबू का लिया है, ये हम लास्ट में डालेंगे बिल्कुल, इसको इसका यूज़ लास्ट में करेंगे बिल्कुल। हमने एक पैन गर्म किया, इसमें 2-4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और उसमें डाला है हमने लहसुन, थोड़ा सा लहसुन बारीक बारीक चॉप किया हुआ। और अब हम इसे गोल्डन होने देंगे। इस तरीके से हम इसको फ्राई करेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे अपनी सब्जियां। हमने सबसे पहले डाला है प्याज, और हम इस प्याज को फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से। अब हम प्याज फ्राई करने के बाद और जो हमारी बाकी सब्जियां हैं ना, वो सारी इसी तरीके से डाल देंगे इसके अंदर। ये देखिए, अब हमने इसमें डाल दिया है बीन्स, और अब हमने इसमें डाला है शिमला मिर्च, टमाटर भी डाल देंगे साथ ही। और इसे अच्छे तरीके से तेल में हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इस तरीके से हम इसे फ्राई करते रहेंगे 2-3 मिनट। 2-3 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे। इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक हम थोड़ा सा ही लेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, आपको जितना पसंद हो। लेकिन हमने थोड़ा ही सब्जियों में नमक डालना है, क्योंकि हमने बॉईल होते हुए मैक्रोनी में नमक डाला था, तो कभी ज़्यादा ना हो जाए। और ये हमने लिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, और लेंगे 1/2 टेबल स्पून मिर्च भी लेंगे, 1/2 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं लेनी मिर्च, हमने 1/2 टेबल स्पून लिया। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। और ये हमने लास्ट में लिया है अमचूर पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा, 1/2 टेबल स्पून लिया था। और हमने इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको चलाएंगे अच्छी तरीके से। 1 मिनट तक हम बस इसको थोड़ा सा और फ्राई करेंगे पानी के अंदर, ताकि पानी पक जाए। इस तरीके से बस 1 मिनट तक करेंगे। और अब हम ये अपना बॉयल मैक्रोनी डाल देंगे इसके अंदर, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसका फ्लेम हाई रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से हमारा मैक्रोनी पक जाए। वैसे तो हमारा मैक्रोनी बॉईल हो चुका है, लेकिन हमें इसे ड्राई होने तक पकाना है, जब तक ये ड्राई नहीं होता। इसमें जितना पानी है, जब तक ये सारा ड्राई नहीं हो जाता, मैक्रोनी और वेजीज सारी मिल नहीं जाती हैं आपस में, तब तक हमें इसे हाई फ्लेम पर पकाना है। और इसे हमें चम्मच चलाना है ताकि कहीं ये जल ना जाए। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे पकाना है। अब ये हमारा मैक्रोनी बिल्कुल तैयार होने के करीब है। बस हमें इसको 1-2 मिनट और पकाना है। देखिए, इस तरीके से हमें इसे चलाना है। अभी भी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी है, ये भी ड्राई हो जाएगा। ये देखिए, अब सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये पूरा तैयार हो चुका है। हमारा मैक्रोनी इज़ रेडी।
ये देखिए अब हमने अपना गैस बंद कर दिया है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये हम थोड़ा सा जो नींबू हमने बचाया था, ये एक टेबल स्पून इसमें नींबू का रस होगा, वो हम ऊपर से डालेंगे गैस बंद करने के बाद, और इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, और फिर हम इसे सर्व कर लेंगे। ये हमने अपना मैक्रोनी सर्व कर लिया है।